नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ, जिसके प्रधान श्री रामर वर्मा जी हैं, लगातार एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल व एमपीएचएस मेल फीमेल के खत्म के पदों को बहाल कराने और नए नॉर्म के अनुसार नए पदों को स्वीकृत करवाने के लिए तथा अनेक मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष किए हुए और लगातार आंदोलन जारी किए हुए हैं। तो उसको देखते हुए जो है अब अच्छा रिस्पांस आने स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो आज जो है प्रधान श्री रामवीर वर्मा जी के पास निदेशक स्वास्थ्य सेवा मलेरिया हरियाणा पंचकुला का एक लेटर आया है। और वो क्या कुछ लेटर है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। 3 पेज का लेटर है दोस्तों। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एमपीएचसी एसोसिएशन की मीटिंग के बारे में, तो उपरोक्त विषय संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/1/2023 को एमपीएचसी एसोसिएशन की मीटिंग डॉक्टर उषा गुप्ता महानिदेशक महोदय जी के कार्यालय कक्ष में दोपहर 12:15 पर हुई थी, जिसमें महानिदेशक महोदय ने मांगों पर विचार विमर्श करने के बारे आश्वासन दिया। इसीलिए आपको इस पत्र के साथ दिनांक 10/1/2023 महानिदेशक महोदय जी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के साथ हुई मीटिंग की प्रोसीडिंग की प्रति आगामी कार्रवाई हेतु साथ संकलन करके भेज जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो डिमांड रखी थी 14-15 डिमांड रखी थी कुल जो स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ में, तो उसको उन डिमांड्स को लेकर के जो है अब जो रिस्पॉन्स आया है वो 14-15 डिमांड्स है दोस्तों। उसमें जो है मेन जो कर्मचारियों की डिमांडें भी हैं और एमपीएसडब्ल्यू मेल फीमेल की भर्ती के बारे में भी है, और एमपीएसडब्ल्यू जो लगे हुए हैं कर्मचारी उनके प्रमोशन के बारे में जो है डिटेल दी हुई है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी दोस्तों, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिए वीडियो को। कहीं फिर बार बार पूछो कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि भर्ती हो गया नहीं, कैसे हो क्या ना होगा, तो मैं आपको डिटेल से जो है इसमें बताऊंगा। तो नए पहला पॉइंट है, पहली मांग थी वही नए नॉर्म के अनुसार एमपीएसडब्ल्यू वर्ग के पदों की जो कटौती की गई है उसको वापस लेते हुए तुरंत पद बहाली का पत्र जारी किया जाए, पद बहाल करवाने बारे में भाई। तो इसमें जो है स्टेटस आया कि इस बारे एसोसिएशन को बताया गया कि जैसा कि पिछली मीटिंग में निर्णय हुआ था कि सभी जिलों से जो 2014 से पहले के पे बिल मांग लिए जाए, जिसके आधार पर अर्बन क्षेत्र की पोस्टों का रिस्टोर करने बारे प्लानिंग शाखा की ओर से प्रस्ताव भेज दिया जाए, और इस बारे में उनको बताया गया कि मलेरिया शाखा द्वारा पत्र निदेशालय पत्र क्रमांक ये दे रखा है और 13/9/2022 को जो लेटर था, और सुमन पत्र फिर 19/10/2022 को, और फिर सुमन पत्र जो है 29/11/2022 को जो है हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जनों को भेजा गया था, जिसमें से केवल जो है 15 ही जिलों के बिल निदेशालय में प्राप्त हुए हैं। उनके नाम है करनाल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद, नारनौर, भिवाणी, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, कैथल, हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, अम्बाड़ा, इन जिलों का जो है बिल जो है पहुँच चुका है। लेकिन कुछ जिले हैं जिनका जो है बिल प्राप्त होने बाकी हैं, और जिलों से प्राप्त बिलों को महानिदेशालय की प्लानिंग शाखा को भिजवाए जाने हैं। तो 7 जिलों से अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, वही चरखी, दादरी, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पानीपत, यमुनानगर, तथा जो 15 जिलों से बिल प्राप्त हुए हैं उनके एमपीएचएस मेल एम एमपीएसडब्ल्यू मेल के पूर्ण बिल प्राप्त नहीं हुए हैं भाई। और जैसे ही बिल प्राप्त हो जाएंगे वैसे ही उन सभी बिलों को महानिदेशालय की प्लानिंग शाखा में भेज दिया जाएगा, और एसोसिएशन को यह भी बताया गया कि जो बिल प्राप्त हुए हैं वो अधूरे हैं, और एसोसिएशन ने भी ये अनुरोध किया है कि अर्बन पोस्टों का निर्धारण करने हेतु आईपीएचसी नॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए, और सभी जिलों में इस बारे में आईपीएचसी नॉर्म के अनुसार जो है माइक्रो प्लान मांग लिया जाए। अब दूसरी डिमांड थी कर्मचारियों की एमपीएसडब्ल्यू मेल की कंफर्मेशन सूची भी जारी की जाए। तो इसको इस बारे में जो है क्या कुछ रिस्पॉन्स आया, इस बारे में जो है एसोसिएशन को बताया गया कि निदेशालय के जो पत्र क्रमांक दे रखे हैं, और ये जो है 17/8/2022 को, 21/4/2022 को, और 6/5 पता नहीं 6 है ये क्लियर दिखाई दे रहा है, 5/5/1/2023 द्वारा हरियाणा राज्य के सभी जिलों से कर्मचारियों को कन्फर्म करने बारे सूची मांगी गई थी, और उन कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस विभाग से करवाते हुए सूचना निदेशालय में भिजवाए। जिन जिलों से सूचना प्राप्त हुई है उन जिलों के नाम हिसार, रोहतक, नारनौल, फतेहाबाद, पंचकूला, सिरसा, करनाल, झज्जर, गुड़गांव, सोनीपत, अम्बाड़ा। शेष जिलों से सूचना प्राप्त होने बाकी हैं उनके नाम है भिवाणी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर। वर्ष 2006 में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई तथा उन्हें उनके पद कन्फर्म किया जाना है, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग दिनांक 23/6/2022 और दिनांक 6/1/2023 की जो है नोटिफिकेशन के आधार पर एमपीएसडब्ल्यू मेल को कन्फर्मेशन करने बारे जो है पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। तो इस बारे में निदेशालय द्वारा समर्पण पत्र जारी कर दिया गया है। अब तीसरी डिमांड जो थी
वो थी कि MPSW वर्ग के पद नाम बदले जाएं और MPHW मेल फीमेल को कन्वर्ट इन MPHO मेल फीमेल, MPHS मेल फीमेल कन्वर्ट इन सीनियर हेल्थ ऑफिसर मेल फीमेल और SMI कन्वर्ट इन चीफ हेल्थ ऑफिसर गजेटेड ग्रुप बी। तो इसको लेकर के जो है रिस्पॉन्स आया भाई, इस बार निदेशालय पत्र क्रमांक दे रखा है और 24/7/2022 द्वारा जो है सरकार को भेजा गया था और ये प्रस्ताव जो है सरकार के पास विचाराधीन है, इस बारे में सरकार को एक समर्ण पत्र निदेशालय द्वारा जारी कर दिया जाए। और चौथी डिमांड थी ये थी कि एसोसिएशन के साथ पूर्व समझौते के अनुसार हर महीने के बाद 1 जनवरी व 1 जुलाई को कैडर के पदों MPHS मेल फीमेल और SMI AUO व AMO के पदों का मूल्यांकन करते हुए खाली पदों पर पदोन्नति सूची जारी की जावे। तो इस बारे एसोसिएशन को बताया गया कि महानिदेशालय प्लानिंग शाखा से पत्राचार किया जा रहा है, नए नॉर्म अनुसार SSI और SMI के पदों का जो पद नाम ठीक नहीं है, जैसे ही इन त्रुटि को दूर कर दिया जाएगा वैसे इस बारे में आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी। ऐसे ही नए नॉर्म्स अनुसार MPHS मेल के पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जैसे ही इन पदों की स्थिति ठीक होती है तो उसके उपरांत MPHS मेल की पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी। अब जो पाँचवीं डिमांड थी ये थी कि वही राज्य सरकार के वित्त विभाग के जो पत्र क्रमांक दे रखा है 2/1/2019 द्वारा MPSW मेल और फीमेल कोडर के स्केल को APL 4 से APL 6 में संशोधित किए जाने के बावजूद उप कोडर के पदोन्नत पद MPHS मेल व फीमेल सहित SMI AOU और AMO के वेतनमान अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं और MPSW कैडर के पदोन्नत पदों के प्रमोशनल स्केल जारी किए जाएं। MPHS मेल फीमेल को FPL 7 और SMI को FPL 8 और AUO को FPL 9 और AMO को जो है FPL 10 में अधिसूचित किया जाए। तो इसमें रिस्पॉन्स आया इस बारे में एसोसिएशन को बताया गया है कि सरकार के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव निदेशालय पत्र क्रमांक दे रखा 17/8/2022 द्वारा भेजा गया है, परंतु उक्त विषय पर वित्त विभाग द्वारा क्लेम डिनाई करते हुए दिनांक 9/9/2022 को जो है ये CWP नंबर दे रखा है और ये जो है स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। इसके उपरांत कुछ MPHW मेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में CWP नंबर दे रखा है और ऑफ 2022 दायर की गई है, जिसकी आगामी सुनवाई जो है 25 अप्रैल 2023 को होगी और इसीलिए उक्त बारे मामला माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में विचाराधीन है। इस बारे में एसोसिएशन को यह भी बताया गया कि जब तक ये जो कोर्ट केस का फैसला नहीं होता है तब तक कोई कार्रवाई लंबित रहेगी इस बारे में, ठीक है। तो छठी डिमांड थी उप स्वास्थ्य केंद्रों हेल्थ सेंटरों पर कार्यरत MPSW मेल फीमेल की हर प्रकार की रिपोर्ट केवल MPHS मेल फीमेल के माध्यम से मांगना सुनिश्चित की जाए। तो इस बारे में जो है एसोसिएशन को बताया गया कि कार्यवाही महानिदेशक की परिवार कल्याण शाखा द्वारा की जा रही है। सातवीं डिमांड थी कि एसोसिएशन की वर्ष 2018 के हड़ताल के दौरान एस्मा के तहत जो दर्ज मुकदमे हैं प्रदेश के अनेक जिलों में लंबित हैं और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र जारी कर सरकार के निर्णय अनुसार मुकदमे वापस लिए जाएं। तो इस बारे में जो है एसोसिएशन को बताया गया है कि इस बारे में हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जनों द्वारा कार्यवाही की जानी है। तो सात डिमांड थी, अब आठवीं डिमांड आपको मैं दिखाता हूँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, नहीं तो आपको वीडियो जो है डिटेल समझ में नहीं आएगी और बार बार फिर आप जो है पूछते रह जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है दोस्तों। तो डिमांड है जिला मेवात उपरवल में कार्यरत MPSW अमले के तबादले पर रोक हटाई जाए। तो इसमें जो है रिप्लाई आया कि इस बारे में एसोसिएशन को यह बताया गया है कि यहाँ यह बताना उचित होगा कि MPSW मेल व MPHS मेल का जो मुख्य कार्य जो सर्विलेंस का होता है, क्योंकि मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित बीमारियों इन दो जिलों में ज्यादा है और मलेरिया युक्त जो पलवल व मेवात कैंपेन चलाया जा रहा है। नौवीं डिमांड थी MPHW वर्ग के तमाम जोखिम भर कार्यों को देखते हुए जो है प्रति महीने जो 10,000 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाए। तो इस बारे में जो है एसोसिएशन को बताया जाता है कि इस बारे में कार्यवाही महानिदेशक की परिवार कल्याण शाखा द्वारा की जा रही है। दसवीं डिमांड थी कि MPSW मेल की 2018 के बाद कोई भर्ती सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है भाई, और प्रदेश में MPSW मेल फीमेल खाली पदों का ब्यौरा सरकार को भिजवाते हुए खाली पदों को नियमित भर्ती भरा जाए। तो इस बारे में जो रिप्लाई है कि इस बारे में जो एसोसिएशन को बताया गया है कि इस बारे अवगत करवा जाता है, निदेशालय पत्र मांगे दे रखा है और 18/10/2022 द्वारा MPSW मेल के सेवा नियमों में संशोधन करने वाले प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। जैसे ही सरकार द्वारा सेवा नियमों में संशोधन किया जाता है तो उसके तुरंत बाद जो है MPSW मेल के जो रिक्त पद उनको भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC को भेज दिया जाएगा।
तो 11वीं डिमांड थी कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा के पत्र क्रमांक दे रखे ये, और ये जो है दिनांक 5 जनवरी 2021 के आदेशों के संशोधन करवाते हुए पूर्व में स्वीकृत पदों को बरकरार रखने के साथ साथ राज्यों के सभी शहरों में सरकार के नॉर्म अनुसार 5,000 की आबादी पर एक MPSW मेल और MPSW फीमेल और 30,000 की आबादी पर एक MPHS मेल व MPHS फीमेल के पद स्वीकृत करवाए जाएं, सभी रिक्त पदों पर तुरंत नियमित भर्ती की जाए। तो इस बारे में जो क्या कुछ रिप्लाई है भाई, इस बारे में जो एसोसिएशन को यह बताया गया है कि इस बारे जैसा कि बिंदु नंबर एक में मैं आपको जो है एक बड़ा जो पॉइंट बता चुका हूँ सबसे फर्स्ट में, वही जो इसमें रिप्लाई दिया गया है। और 12वीं जो डिमांड की थी कि राज्य की जिन CHC व नागरिक अस्पतालों में SMI के पद स्वीकृत थे उन सभी पदों को बरकरार रखते हुए राज्य के सभी CHC व नागरिक अस्पतालों में SMI सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर और SSI सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर के एक एक पद सर्जित करवाने कृपया करें। तो इस बारे में एसोसिएशन को ये बताया गया कि इस बारे में जैसा कि बिंदु एक में नंबर में पंडित है। तो 13वीं जो डिमांड आई है, 13वीं डिमांड ये है भाई कि वर्तमान में राज्य में इस क्वार्टर से पदोन्नति से भरे जाने वाले जो है जिला स्तर पर 26 AUO और 13 SLT व 12 AMO सहायक मलेरिया अधिकारी के पद सहित कुल 51 पद स्वीकृत है, जिनको अभी डिमिनिशिंग क्वार्टर में रखने के आदेश दिए हुए हैं। राज्य में 22 जिले हैं और इसीलिए इनमें 51 पदों में से राज्य के सभी जिला में एक एक समान जो है 22 पद AUO सहायक यूनिट अधिकारी के पद तथा 22 पद AMO सहायक मलेरिया अधिकारी के बरकरार रखे जाएं, क्योंकि इन 44 पदों को बहाल करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और बल्कि कर्मचारियों को पदोन्नत मिलने से स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। इस बारे में जो है एसोसिएशन को यह बताया गया कि इस बारे में जैसा कि बिंदु नंबर एक में वर्णित है। अब जो 14वीं डिमांड थी वो थी भाई कि वर्तमान में एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत MPSW मेल फीमेल को 1,000 रुपये प्रतिमाह नियमित भत्ता दिया जाता है, जबकि इससे पदोन्नत जो MPHS मेल व फीमेल है जिसकी नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 से 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर सुपरविजन हेतु होती है तो उसको भी जो प्रतिमाह 1,000 रुपये नियमित भत्ता मिला है। और कृपया करके जो MPHS मेल फीमेल या स्वास्थ्य सुपरवाइजर को जो है 6,000 रुपये प्रतिमाह नियमित भत्ता दिलवाया जाए। तो इस बारे में जो रिप्लाई आएगी वो इस बारे में एसोसिएशन को बताया गया कि यात्रा भत्ता संशोधित करने बारे विचार विमर्श कर लिया जाएगा, परंतु इससे पूर्व एसोसिएशन को लिख दिया जाए कि वह अन्य राज्यों में नियमित यात्रा भत्ता प्रावधान है के बारे में निदेशालय को अवगत करवाया जा सके ताकि इस बारे में कार्रवाई की जा सके। और लास्ट जो 15वीं डिमांड थी वो डिमांड थी भाई कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत MPSW मेल व MPHS मेल तथा MPSW फीमेल और MPHS फीमेल का जो है ड्रेस कोड एक समान होने के कारण जूनियर और सीनियर का पता न लगने से अधिकारियों आम जनता में असमंजस की स्थिति रहती है, इसलिए जूनियर और सीनियर की पहचान बरकरार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जिस तरह नर्सिंग अमले में से जो है स्टाफ नर्स से पदोन्नत पदों पर कार्यरत नर्सिंग सिस्टर और मैट्रन को वर्दी के रूप में एप्रेन कोड पहनने की अनुमति प्रदान की हुई है, उसी प्रकार जो है MPSW मेल से पदोन्नत MPHS मेल व MPSW फीमेल से पदोन्नत MPHS फीमेल को भी वर्दी के रूप में एप्रेन कोड पहनने की अनुमति दी जाए। तो बारे में जो है एसोसिएशन को बता दिया गया है कि इस बारे में ड्रेस कोड चेंज करने बारे विचार विमर्श कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी, और ज्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहो, देखते रहिए रियल इंडिया आपका अपना चैनल। दोस्तों अगर आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, अगर चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।